एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? और मैं नहा चुकी हूँ और परी देखो यहाँ लिदड़ों की तरह पड़ी हुई है। ये परी नहाने जा रही है, मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो अब हम बनाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। और आज दिन है संडे, तो संडे वाला दिन तो आप लोगों को पता ही है, लेज़ी वाला होता है। तो देखिए आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया है और सच में जो टी शर्ट पजामे में आराम मिलता है ना, वो किसी कपड़े में नहीं मिलता है। तो मैंने कहा चलो, आप लोग मुझे टोकते रहते हो कि दीदी अच्छे से बन के रहा करो, अच्छे से बन के रहा करो, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। आप लोग खुश होते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब लगते हैं हम अपने काम पे, क्योंकि भाई पता ही आप लोगों को हम लेडीज़ों का क्या है, सुबह सुबह उठो और फिर काम पे लग जाओ। नहीं काम करे बिना भी गुजारा नहीं है। तो चलिए लगते हैं हम अपने काम पे। तो यहाँ मैं नीचे आ चुकी थी और यहाँ पे झाड़ू पोछा तो हो ही चुका था, लेकिन मम्मी अभी नहाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं ही नहला देती हूँ। पर ही नहा धो के अपना काम करने लगी थी स्कूल का, तो मैंने कहा पहले लड्डू गोपाल को नहला देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करती हूँ। तो जब हम कहते हैं ना हमारे घर में लड्डू गोपाल होते हैं, तो सबसे पहले नहा के आने के बाद ये काम होता है कि पहले लड्डू गोपाल को नहलाओ, पूजा पाठ करो। तो मम्मी पूजा पाठ कर देती हैं, तो फिर उसके बाद तो ये होता है कि मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। लेकिन अगर मम्मी नहीं करती या परी नहीं करती, तो फिर सबसे पहला काम मेरा नहाने के बाद होता है लड्डू गोपाल जी को नहलाना। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था और मैंने दिया भी जला दिया था, तो आप लोग भी पूजा कर लीजिए। और यहाँ मेरा दिया जल चुका था, पूजा मेरी हो चुकी थी। पूजा करने से एक मन को शांति मिलती है और एक पॉजिटिविटी आती है। और लड्डू गोपाल जी मैं पिछले साल अपने मतलब लेके आई थी, जन्माष्टमी के टाइम पे लेके आई थी, जन्माष्टमी से 8 दिन पहले। और जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं तब से मेरा माइंड बहुत शांत रहता है, बहुत अच्छा सा फील होता है मुझे। और प्लीज़ आप लोग ये मत कहना कि दी आप उल्टे हाथ से आरती कर रही हो, मैं सीधे हाथ से ही कर रही हूँ। पता नहीं क्यों कैमरे में उल्टे हाथ से आता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी के तिलक लगा दूंगी और दिया मेरा जल चुका है, थोड़ा सा उनके लिए पानी रख दूंगी और प्रसाद वगैरह रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं अपना और काम करती हूँ। तो पूजा पाठ होने के बाद मैं थोड़ा सा भगवान जी को आरती दे देती हूँ, पूरे घर में आरती घुमा देती हूँ। तो यहाँ मैं आ चुकी थी फ्रिज में, तो यहाँ एक थैली तो रखी हुई थी और थोड़ा सा दूध रखा हुआ था। तो आज हम कुछ अच्छा सा बनाएंगे, तो चलिए हम देखते हैं आज क्या बनाते हैं, क्योंकि आज संडे है। तो संडे में पता ही है आप लोगों को, तो बच्चों ने बोला कि मम्मी खीर बना लो, तो मैंने कहा चलो खीर बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने खीर के लिए चावल चढ़ा दिए थे और यहाँ पे मैं छील रही थी आलू। और आप लोगों को पता ही है आलू छील लिए थे ना मैंने। उसके बाद शौर्य ने मुझसे बोला कि मम्मी बेड़मी पूड़ी और सब्ज़ी बना लो, और जो बेड़मी पूड़ी की जो सब्ज़ी होती है ना, वो उबले हुए आलू से ज़्यादा टेस्टी बनती है। बट कोई बात नहीं, तो आज हम बेड़मी पूड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे, ऐसे ही आलुओं से बनाएंगे। अब इन आलू को वेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ मैं, तो ऐसे ही मैं इन्हीं आलुओं की सब्ज़ी छोंक दूंगी और खीर हमारी बन रही है और मैंगो शेक बना। तो पूजा मेरी हो चुकी है और सब्जी मैंने काट ली है और खीर हमारी बन रही है, और मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंगो शेक बना दूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लगता है और मुझे भी ठंडा ही ठंडा अच्छा लगता है। तो चलो खीर बना लेते हैं। और आज बनाएंगे हम आलू टमाटर की सब्जी, और बच्चे बहुत दिन से बोल रहे हैं पूड़ी बनाने की, तो चलो आज पूड़ी बनाएंगे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, आप लोगों के साथ तो शेयर हो गई। तो पूड़ी बना देती हूँ और आलू टमाटर की सब्जी, सिंपल सा खाना। और आलू टमाटर की सब्जी तो आप लोगों को पता ही है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, और हमारे घर में तो आलू बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो पर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे तो आलू को देख के ना गुस्सा आता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मेरी खीर बन चुकी थी, तो इन थैलियों को मैंने अच्छे से पहले पानी में वॉश कर लिया था, तो मैंने ये दूध डाल दिया है। और जो वो भगोने में दूध रखा हुआ है ना, वो थोड़ा सा मतलब रात में आया था, तो मैंने कहा चलो खीर बना रही हूँ तो नई थैली मंगा के ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर लड्डू गोपाल जी भी को भी भोग लगेगा, तो झूठे दूध से तो नहीं लगा सकते। तो यहाँ मेरी खीर रेडी हो चुकी है, मैंने चीनी डाल दी है, तो मैं थोड़ा सा जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो मैंने डाल दिए थे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया था, थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए थे। अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे थे मेरे पास, तो हमारी खीर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी ना खीर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल दी थी, तो यहाँ पापा परी दुकान पर जा रही थी, तो मैंने यहाँ पापा के लिए टिफ़िन में निकाल दी थी। और यहाँ मैं काट रही थी अपनी सब्ज़ी के लिए टमाटर और हरी मिर्च। तो आज मैं प्याज नहीं डालूंगी, प्याज मैंने कट तो कर ली है लेकिन प्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि जो बेड़मी पूड़ी की सब्ज़ी है वो प्याज नहीं डलती है उसमें।
तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बेडमी पूड़ी की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मेरा तेल गरम हो चुका था, तो मैंने इसमें यहाँ पे जीरा और थोड़े से सौंफ के दाने डाल दिए थे, और यहाँ मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी, और यहाँ मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। बेडमी पूड़ी की सब्जी में प्याज नहीं डालते हैं क्योंकि प्याज का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया था और मैंने अपने कटे हुए टमाटर भी डाल दिए थे। और हाँ, आप लोगों को जब भी आप बेडमी पूड़ी की सब्जी बनाएं तो इसमें ना एक चीज़ ज़रूर डालना, तो ये मैंने कटोरी में थोड़ा सा बेसन ले रखा है। जब भी आप बेडमी पूड़ी की सब्जी बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा बेसन ज़रूर डालना, क्योंकि बेसन डालने से ना जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाता है। और वैसे इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया भी डलता है, बट वो मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए नहीं डाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ चीज़ें नहीं है तो वो सारी चीज़ें हो तभी आप बनाओ। तो देखना, अभी आप सब्जी और जो पूड़ियाँ थी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से मसाले को भून लूँगी, और यहाँ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, मिर्च पाउडर भी डाल दिया, और थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल दिया है। और जो ये बेसन है और जो ये मसाला है, हम इसको अच्छे से पका लेंगे, बहुत अच्छे से पका लेंगे। और बेसन डलने के बाद ना जो सब्जी का जो वो है ना टेस्ट, वो थोड़ा अलग हो जाता है। और यहाँ मैंने अपने आलू भी इसमें डाल दिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे कैमरा हिल रहा था तो आप उसे इग्नोर करना। तो यहाँ मैंने सब्जी अच्छे से इसमें छोंक दी है, और इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं ना बेडमी पूड़ी की बनाने के लिए ना इसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ को पीस लिया था, थोड़ा दरदरा सा सौंफ को पीसना होता है बेडमी पूड़ी में जो हम उसका मिक्सचर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सौंफ को थोड़ा सा पीस लिया था, और मैंने बेडमी पूड़ी के लिए थोड़ी सी उड़द की दाल, जो उड़द की दाल होती है छिलके वाली, वैसे तो आप बिगर छिलके वाली भी डाल सकते हैं, बट हमारे घर में छिलके वाली ही दाल थी, और मैंने इसको बहुत कम टाइम तक भिगोया था, तो इसलिए अगर मैं इसको थोड़ी ज़्यादा देर भिगोती तो इसके जो छिलके हैं वो सारे उतर जाते, लेकिन मैंने थोड़ा कम ही देर भिगोई है क्योंकि शौर्य ने बोल दिया कि मम्मी बेडमी पूड़ी बना लो, तो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो इसकी स्टफिंग बनाई जाती है, बट मैं इसको सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। अब बच्चे का मन है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसी तरीके से बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब प्रॉपर तरीके से बनाओ, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो इस वाली दाल को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है, और अब हम इसको आटे में माड़ेंगे। तो यहाँ मैंने ये ले लिया है आटा, और ये मैंने प्लेट में ले रखी है सूजी। तो हमें इतने आटे में इतनी सूजी चाहिए, 250 ग्राम सूजी है, मतलब 250 ग्राम से थोड़ा सा कम सूजी है ये। तो सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया है, और इसमें मैंने ये सौंफ डाल दिए, सौंफ को भी मैंने दरदरा सा पीस लिया था। और मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नमक, और इसमें मैंने थोड़ी सी ये कसूरी मेथी डाल दी है, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, और थोड़ा सा आप इसमें रिफाइंड डाल देना। और ये मैंने जो दाल पीसी है वो दाल मैंने इसी में डाल दी है। तो हम इन सारी चीज़ों को इसी आटे में मिक्स करके माड़ेंगे। तो यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दूंगी, इन सारी चीज़ों को मैं ना अच्छे से मिक्स कर लूंगी आटे में। और यहाँ पे मैंने इसमें तेल भी डाल दिया है, तो तेल आप इतना डालना कि जो आटा है ना, मतलब खस्ता बनानी है आपको तो थोड़ा ज़्यादा सा आप रिफाइंड डाल लेना। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और सच में इस तरीके से भी जो बेडमी पूड़ी है वो बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। तो यहाँ देखो, मैंने पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा मार दी थी, और जो इसका आटा है ना, जैसा आपका बेडमी थोड़ी सी कुरकुरी सी, थोड़ी दरदरी सी होती है, तो इसी तरीके से आपका इसका आटा लगेगा। आटा लगाने के बाद आपको कम से कम 15-20 मिनट रेस्ट पे रख देना चाहिए, क्योंकि जो उसमें सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है, और यहाँ पे सच में बेडमी पूड़ी तो बहुत ही खस्ता बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ मैंने हमारी बेडमी का आटा लग चुका है, और हम इसको 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे, और उसके बाद हम अपनी बेडमी पूड़ी बनाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारा ही सामान हो, अगर कुछ सामान नहीं है पर अच्छे से बनाना आना चाहिए तो बन जाता है। मेरे पास भी कुछ सामान नहीं है, लेकिन अभी हम बनाएंगे तब आप देखना। आटा मैंने लगा दिया है और सब्जी मेरी बन चुकी है। वैसे तो जो बेडमी पूड़ी की सब्जी है वो उबले हुए आलू की बनती है, पर मैंने आलू कट कर दिए थे और शौर्य ने बोल दिया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना देते हैं, और थोड़ा सा मुँह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर अभी आपके साथ खाएंगे बेडमी पूड़ी और सब्जी।
तो यहाँ मेरी सब्जी बन चुकी थी, तो ये उबले हुए आलू नहीं थे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मीस दिया, मतलब थोड़ा सा खूंद दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा जो बेड़मी पूड़ी की सब्जी होती है तो उसमें कसूरी मेथी की भी थोड़ी थोड़ी स्मेल सी आती है, तो मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूंगी। और देख सकते हैं आप सब्जी का जो कलर है वो बिल्कुल बेड़मी पूड़ी की सब्जी होती है वैसा ही आ रहा है, और जो सब्जी है सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बट उबले हुए आलू की जो सब्जी है उसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल दुकान जैसा आता है, और जो सब्जी होती है वो इसी तरीके से बनती है इसकी। और यहाँ मैं ना आटे की ना गोलियाँ काट लूँगी, तो ना हमारी जो ये रोटी होती है ना, जो हमारी गोली होती है मतलब पिंडियाँ बोलते हैं इसे, तो जो ये है ना, ना तो हमें ज़्यादा बड़ी लेनी है, ना ज़्यादा हमें छोटी लेनी है, और हमें जो बेड़मी पूड़ी की पूड़ी है वो ना ज़्यादा मोटी बेलनी होती है और ना ही ज़्यादा पतली बेलनी होती है। अगर आप पतली बेलेंगे तो वो फूलेगी नहीं, और ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो वो करारी नहीं होगी। तो यहाँ मैंने एक पूड़ी मतलब गाय के लिए निकाल दी थी, थोड़ी सी सब्जी रख दी थी। वैसे हम प्याज लहसुन की सब्जी बनाते हैं तो नहीं रखते हैं, लेकिन ये बिगर लहसुन प्याज की सब्जी बनी थी तो मैंने इसलिए थोड़ा सा निकाल के रख दी। और यहाँ ये देखिए मैंने बेड़मी पूड़ी की जो पूड़ी है वो सेक रही हूँ, तो जब हम इस पूड़ी को कढ़ाई में डालेंगे तो हमें इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, मतलब हम इसको बीच बीच में से दबाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारी पूड़ी अच्छे से सिक गई है। और बेड़मी पूड़ी में अगर हम, हमारे यहाँ पे छिलके वाली दाल है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक भिगो देंगे तो इसके सारे छिलके उतर जाएंगे, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा छिलके आते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं घर वाली जो छिलके वाली दाल होती है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज की बेड़मी पूड़ी और सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। ये लो खा के बताओ कैसा बना है, कैसी बनी है शौर्य? अच्छी बनी। हाँ अच्छी। कैसी बनी है भाई?